ये मानकर बैठे हो कि हिंदुस्तान की आजादी की स्वर्ण जयंती आ गई, 50 साल पूरा हो गया, और मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि 50 साल बाद हम ज्यादा गुलाम हो गए। पहले गुलामी एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, अभी हमारे देश में 4000 विदेशी कंपनियां हैं। और ये हो क्या रहा है, हमारे देश के बड़े बड़े नेता पैसा खाते हैं, रिश्वत खाते हैं और विदेशी कंपनियों को बुला के लाते हैं। कितना कितना पैसा खाते हैं, एक दो उदाहरण मैं आपको समझाऊं। हमारे देश में एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुखराम, आजकल बहुत दुखी है। पता है क्यों दुखी है? एक दिन सीबीआई वाले उनके घर गए तो जिस बिस्तर पर वो सोते थे उसके गद्दे के नीचे से 4 करोड़ रुपया निकला। तो सीबीआई वालों ने उनसे पूछा कि ये 4 करोड़ रुपया बिस्तर के गद्दे के नीचे से निकला, इसका माने आपके बैंक बैलेंस में कितना होगा? तो कहने लगे नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो सीबीआई वालों को भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने उनके सारे लॉकर सीज किए और उनके सारे अकाउंट सीज किए, तो पता चला 100s of crores रुपए की प्रॉपर्टी उसमें से निकली। तो सीबीआई वालों ने पूछा, सुखराम जी ये पैसा कहां से आया? तो कहने लगे भगवान ने दिया है। तो सीबीआई के एक ऑफिसर ने उनसे कहा कि भगवान आपको ही क्यों देता है, मुझे क्यों नहीं देता, हमको क्यों नहीं देता? बाद में सीबीआई ने जब तपास की सुखराम के बारे में तो पता है जानकारी क्या मिली? जानकारी मिली कि जब यह व्यक्ति हिंदुस्तान के मंत्री थे, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, तब इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी कंपनी है आईटीआई, स्वदेशी है हमारे देश की, टेलीफोन बनाती है, तो जो आईटीआई कंपनी टेलीफोन बनाती है तो उसका जो टेलीफोन का एपरेटस है ना, फोन और उसका क्रेडिल दोनों मिला के एपरेटस, वो जितने रुपए में हमको देती है, 100 रुपए में 125 रुपए में 150 रुपए में हमको देती है आईटीआई। सुखराम साहब ने क्या किया कि अब आईटीआई का नहीं लेंगे, अमरीका की कंपनी का खरीदेंगे। तो अमरीका की कंपनी ने वो एपरेटस बेचना शुरू किया 600 रुपए में, हमारे देश में बनता था 150 रुपए का, सुखराम साहब ने वो नहीं खरीदा, अमरीका से खरीद कर लाएंगे 600 रुपए में। तो उससे क्या होगा, अमेरिका की कंपनी को जो 450 रुपए का मुनाफा होगा उसमें से कुछ सुखराम साहब को कमीशन मिलेगा। उसका नतीजा क्या हुआ, हमारे देश की सबसे बड़ी आईटीआई नाम की कंपनी तो डिवीजन बंद हो गए, अभी 4 डिवीजन बंद होने वाले हैं, उसके 6 डिवीजन है सारे देश में, तो 2 डिवीजन बंद हो गए, क्योंकि वो जो सामान बनाते थे सुखराम साहब ने खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका से खरीदना शुरू किया और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया, वो पैसा उनको मिला। तो ये किसी मीर जाफर से कम है क्या? लेकिन दुर्भाग्य क्या है, इनको हमने 5 साल तक मंत्री बना के रखा, तो आप सोचिए कि 5 साल में इन्होंने क्या किया होगा इस देश में। ऐसे ही एक दूसरे मीर जाफर हैं, उनका नाम है सुश्री जयललिता। वो क्या थी, वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। तो जब वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी ना, तो उसकी तनख्वाह मालूम है कितनी थी, पे उसकी 1.25 रुपए पर मंथ, 1.25 रुपए पर मंथ, ये उसकी सैलरी। और इतनी सैलरी पाने वाले बहन के घर में जब सीबीआई वाले पहुंचे तो क्या मिला पता, 40 किलोग्राम सोना, 800 किलोग्राम चांदी, 10,500 साड़ियां, 7,500 सैंडल, और सुनिए 44 एयर कंडीशनर, और सुनिए 19 लिम्योजिन कार्स, और एक लिम्योजिन कार की कीमत है 5.5 लाख रुपए इस समय। तो 19 कार्स और आखिर में 65 करोड़ रुपीस कैश। अब सुनिए कि उसको तो
1.25 रुपए पे मिलती थी पर मंथ, इतना पैसा कहां से आया? जिसको 1.25 रुपए तनख्वाह मिलती हो उसके घर में 65 करोड़ रुपए कैश, 40 किलोग्राम सोना, 800 किलोग्राम चांदी, 10,500 साड़ियां, 7,500 जूते और 19 विदेशी कार, इतना सब कहां से आया? तो उसकी तपास जब हुई है, अभी पूरी हो चुकी है, तो सीबीआई वालों ने बताया कि ये जब मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में चंदन के जंगल हैं, चंदन समझते हैं, सैंडलवुड, तो 1,000 हेक्टेयर के चंदन के जंगल इसने विदेशी कंपनियों को मुफ्त में बेच दिए। तो विदेशी कंपनियों ने क्या किया, उसके बदले में रिश्वत खिलाई, और अब वो रिश्वत खा के अब उनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा ये नहीं मालूम, कब उनको फांसी मिलेगी ये भी नहीं मालूम, लेकिन इस देश में चल रहा है। मीर जाफर नंबर 2 देखिए क्या है, एक मीर जाफर नंबर 3 है, उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। अब उन्होंने क्या किया है, सुनिए सुनिए सुनिए, वो इन दोनों के बाप हैं। उन्होंने क्या किया, 960 करोड़ रुपया हजम कर गए, माने इतने रुपए में बिहार के पशुओं को चारा मिलता, उनके लिए भोजन मिलता, गाय को, भैंस को, बकरी को, वो सारा का सारा चारे का पैसा वो खुद खा गए। जो चारा घोटाला हुआ ना, वो यही घोटाला है। और देखो क्या दुर्भाग्य है इस देश का, कि जो आदमी 960 करोड़ रुपए की रिश्वत खाता है वो 7 साल तक मुख्यमंत्री रहा, और अभी भी उसकी बीवी मुख्यमंत्री है। तो आप जरा अपने आप से पूछिए, ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप अपने आप से पूछिए कि इतने बड़े बड़े मीर जाफर अगर इस देश में है तो क्या होगा इस देश का, सोचिए जरा। बेचारा जो मीर जाफर था वो तो 1-2 करोड़ रुपए में बिका, ये तो 960 करोड़ खाते हैं। और रोज आप अखबार पढ़िए तो कोई भी दिन ऐसा बाकी नहीं जाता जिस दिन 1,000 करोड़ का घोटाला ना होता। तो आप जरा सोचिए कि क्या इसी के लिए हमने आजादी पाई थी, माने एक मीर जाफर के कारण 250 साल गुलाम हो गए, अब आजादी के 50 साल के बाद ऐसे ही मीर जाफरों को हिंदुस्तान में फिर से। और तब दोस्तों हम सबको यह सोचना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है इस देश में। क्या गड़बड़ हो रही है, ये सारे के सारे बड़े नेता विदेशी कंपनियों को बुला बुला के, उनसे रिश्वत खा खा के हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। और क्या हो गया है, ये एक बाजू में है, दूसरे बाजू में एक और दूसरी बड़ी दुर्घटना इस देश में चल रही है कि जिन विदेशी कंपनियों को ये नेता बुलाकर लाते हैं उनका सामान कौन खरीदता, हम सब लोग खरीदते, माने हम भी छोटे छोटे मीर जाफर हैं। तो क्या होता है कि विदेशी कंपनी का सामान हम खरीद कर लाते हैं, दुकानदार को पैसा देते हैं, दुकानदार क्या करता है उस पैसे को विदेशी कंपनी को पहुंचाता है, विदेशी कंपनी चूंकि दूसरे देश से आई है तो वो आपके देश का पैसा अपने देश में ले जाती है। सवेरे से लेकर शाम तक जितने सामान इस्तेमाल करते हैं उनमें से अधिकांश सामान विदेशी कंपनी के, सवेरे ही सवेरे सो के उठते हैं, चाय पीते हैं लिप्टन टाइगर विदेशी कंपनी की, ब्रुक बॉन्ड विदेशी कंपनी की, टी सिटी विदेशी कंपनी की, लिप्टन विदेशी कंपनी की, गॉडफ्रे फिलिप्स विदेशी कंपनी की, ताजमहल विदेशी कंपनी की, और कितने नाम मैं गिनाऊं आपको जो विदेशी कंपनियों की चाय से भरे पड़े। माने हमारा दिन शुरू होता है विदेशी कंपनी की चाय पीकर, चाय पीने के बाद दांत साफ करते हैं तो कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉर हंस, ग्लीम, ग्लोब, ढेर सारे टूथपेस्ट और ढेर सारा टूथब्रश। उसके बाद मेरे जैसे लोग दाढ़ी बनाते हैं तो कहते हैं पामोलिव द जवाब नहीं। क्या कहते हैं साहब, कपिल देव कहता, कपिल देव देश बेचने में लगा हुआ है, हम भी लगे हुए हैं उसके साथ साथ। तो घर घर में विदेशी कंपनी की शेविंग क्रीम, उनके साथ साथ ब्लेड, विल्किंसन सॉर्ट का, विल्टेक का, 7 o'clock का, आफ्टर शेव लोशन, ओल्ड स्पाइस का और पता नहीं क्या क्या सब। उसके बाद नहाने जाते हैं तो साबुन, लक्स,
लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, पॉन्ड्स, जॉनसन एंड जॉनसन क्यों खरीदते हैं ये, माधुरी दीक्षित कहती है। जिस पे ताली नहीं बजानी चाहिए उस पे ताली बजाते हैं। मानसिक गुलामी इतनी ज्यादा, तो घर घर में ये विदेशी कंपनी का साबुन आता है नहाने का। अब नहा लिया तो कपड़े धोने हैं तो भी विदेशी कंपनी का सर्फ, रिन, एरियल, व्हील, माइक्रो सिस्टम, 555, पता नहीं क्या क्या सब। और उसके बाद नहाकर धोकर घर के बाहर निकलते हैं तो कपड़ा पहनना है, रेंगलर का जीन्स, एडिडास का शर्ट, बटरफ्लाई का, बाटा का, प्यूमा का, लोटो का, कोल्ट का। और आजकल एक फैशन चल गया, पहले मैं जब विद्यार्थी था तो एक फैशन चला, एक विदेशी कंपनी आई, उसने एकदम टाइट जीन्स और एकदम टाइट शर्ट बेचना शुरू किया, तो सारे देश में फैशन चल गया, एकदम टाइट जीन्स और एकदम टाइट शर्ट, और इतना चुस्त होता था कि चढ़ता नहीं था। तो क्या होता था, मैं देखता था कि मेरे हॉस्टल के लड़के जमीन पर लेट लेट के चढ़ाते थे। अब क्या हो गया है, अब एक विदेशी कंपनी आई, उसने एक दूसरा फैशन चला दिया, एकदम ढीला पैंट और एकदम ढीली शर्ट, और इतना ढीला कि एक में दो दो आ जाए। अब आप किसी से पूछो कि भाई क्या पहने हुए हो, कहेंगे बैगी है। बैगी का माने क्या है, हमको नहीं मालूम, बस पहने हुए। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, उसको कहते हैं बैगर। बैगर का माने होता है भिखारी। और अमेरिकन इंग्लिश में बैगर शब्द का एक कॉनोटेशन इस्तेमाल होता है, बैगी। बैगी का माने द मैन हु अपीयर्स टू बी ए बैगर, एक आदमी जो दिखने में भिखारी जैसा लगता हो। अब आप जरा यह सोचिए कि बैगी पहनकर आप स्मार्ट दिख रहे हैं या भिखारी जैसे दिख रहे हैं। और एक मिनट भी सोचने की फुर्सत नहीं है कि हम क्या पहने हुए। जब मैं किसी नौजवान को बैगी पहने हुए देखता हूं तो पूछता हूं कि भाई काय को ये लटकाए घूमते हो, तो कहता राजीव भाई शाहरुख खान पहनता है। तो मैं कहता हूं शाहरुख खान किसी दिन कुएं में गिरेगा तो हम भी गिरेंगे, माने इतनी दो मिनट की अकल नहीं है। हम तो बैगी पहनते हैं, उसके बाद स्कूल कॉलेज जाते हैं, काम करने के लिए पेन पेंसिल भी विदेशी कंपनी की। और स्कूल कॉलेज जब निकलते हैं ना, उसके पहले बहुत लोग ये कहते हैं अरे यार अभी चार्ली का सेंट तो लगाया ही नहीं। फिर कोई कहता यार अभी फेयर एंड लवली तो लगाई नहीं। काहे को चाहिए फेयर एंड लवली, क्योंकि गोरेपन की क्रीम है। और मैं कहता हूं अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए। अब इतना सारा सज धज के स्कूल कॉलेज पहुंचते हैं तो काम करने के लिए पेन पेंसिल भी विदेशी कंपनी के, रेनॉल्ड, रोटोमैक। क्यों खरीदते हैं, लिखते लिखते आप जरा मुझे बताइए कि अगर लिखते ही लिखते सब हो जाए तो क्या होने वाला है स्कूल कॉलेजों का। और स्कूल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके घर वापस जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, वो भी विदेशी कंपनी का, बिस्कुट विदेशी कंपनी का, ब्रिटेनिया, नेस्ले, कैडबरीज, मारी का, कॉफी पियेंगे वो भी विदेशी कंपनी की। कुछ लोग चाय कॉफी नहीं पीते, ताकत की चीज पीते हैं, बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लॉन, मोल्टोवा। क्यों पीते हैं पता है, टेलीविजन पे एक विज्ञापन आता है, आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय, आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल। जानते हैं इसका मतलब क्या है, मैं कॉम्प्लॉन का बेटा हूं, मैं कॉम्प्लॉन की बेटी हूं। और कॉम्प्लॉन क्या है, टिन का डिब्बा। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि क्या टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं, माने 100% इडियोसिटी। और उस इडियोसिटी का पेमेंट कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। और उसी इडियोसिटी पर विदेशी कंपनियों का माल बिक रहा।
शाम को कभी बाजार में जाएंगे, प्यास लगेगी, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्सअप, लिमका, सिट्रा, इतना सारा पानी। फिर रात में घर वापस लौटेंगे, किसी बच्चे को भूख लगेगी तो कहेगा मम्मी मम्मी भूख लगी, तो मम्मी कहेगी बस दो मिनट। वो मम्मी दो मिनट में सड़े मैदे की मैगी बना के देगी, और उसको मैगी को खा के पेट नहीं भरता तो अंकल्स का चिप्स, रफल्स का चिप्स, हॉस्टेस का, टॉप रेमन का, बिनीज का, इतना सारा माल सवेरे से लेके शाम तक विदेशी कंपनियों का। आपके रसोई घर में विदेशी कंपनी घुस गई पूर्णा, माने अब नमक भी विदेशी कंपनी का खा रहे हैं। क्यों पता? ताकि कभी नमक हराम ही ना करें उनसे। नमक उनका खा रहे हैं, आटा उनका खा रहे हैं पूर्णा, माने इतना गिर गया है यह देश कि अब अपना नमक भी नहीं बना सकते, आटा भी नहीं बना सकते। और इतना सामान जो विदेशी कंपनियों का हम खरीद रहे हैं, आपको मालूम नहीं दोस्तों क्या हो रहा है। आप जब सवेरे ही सवेरे चाय कॉफी पी लेते हैं ना, हिंदुस्तान का कबाड़ा हो जाता है। हम जब सब लोग चाय कॉफी पीते हैं तो हिंदुस्तान की खून पसीने की कमाई का 5,600 करोड़ रुपए विदेश चला जाता है। ये जो चाय कॉफी बेचने वाली कंपनियां हैं, ये मुनाफा कितना कमाती? कोई भी विदेशी कंपनी इस देश में चाय पैदा नहीं करती, चाय पैदा हमारे देश के खेड़ूत करते हैं, यहां के किसान चाय पैदा करते हैं। विदेशी कंपनी उनसे चाय खरीदती है, चाय खरीदने के बाद क्या करते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी की चाय होती है, ग्रीन लीफ टी जिसको कहते हैं, एक एक इंच लंबी पत्ती वाली जो चाय होती है, उसको ये विदेशी कंपनी डिब्बे में पैक करके एक्सपोर्ट कर देती है। और उसको डिब्बे में पैक करने के बाद जो चाय का चूरा बचता है, टी डस्ट, उसको फेंक देना चाहिए, उसको दूसरे डिब्बे में पैक करके आपको बेच देती है। माने आप चाय नहीं पीते, चाय की धूल पीते। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता, सबसे रद्दी क्वालिटी आपको मिलती। और ये टी डस्ट का खतरा जानते हैं क्या? ये कैंसरस होता। आपने कभी कभी सुना होगा, कहीं कहीं लिखा रहता है कि सिगरेट मत पीजिए। क्यों? क्योंकि सिगरेट पीना हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता। कैंसर क्यों होता है? क्योंकि सिगरेट में एक जहर होता है जिसको निकोटिन कहते हैं। निकोटिन नाम का जहर धुएं के साथ जब शरीर में अंदर जाता है तो कैंसर कर देता है। जो निकोटिन नाम का जहर सिगरेट में है, वही चाय की धूल में भी है और कॉफी में भी। और कितना जहर हम पी रहे हैं, 3 प्याला चाय जब हम पी लेते हैं तो 1 सिगरेट के बराबर जहर पी लेते हैं, और 1 प्याला कॉफी जब पी लेते हैं तो 1 सिगरेट के बराबर जहर हो जाता है। और ये चाय कॉफी पीने वालों की हालत क्या हो जाती है, जो रोज चाय कॉफी पीते हैं, अगर उनको एक दिन चाय न मिले तो सिर में दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, काम करने का मूड नहीं होता, लेथार्जिक हो जाता है पूरा शरीर। जानते हैं क्यों? आपने देखा है, अफीम पीने वाले आदमी को, चरस पीने वाले आदमी को अगर अफीम ना मिले, चरस ना मिले, तो वो दिन भर कुछ नहीं कर सकता। वही हालत चाय कॉफी की हो गई। और यह चाय कॉफी मेडिकल साइंस की जानकारी के अनुसार हमारे देश के लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हमारा देश गर्म देश है, और गर्म देश के लोगों में ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई रहता है। चाय और कॉफी दोनों ब्लड प्रेशर को और हाई करती है। माने हम सब धीरे 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 एक जहर पीते पीते कैंसर की स्थिति में पहुंच रहे हैं। एक नुकसान तो अपना कर रहे हैं, अपने शरीर का कर रहे हैं, जहर पी रहे हैं, दूसरा नुकसान हिंदुस्तान का कर रहे हैं। 5,600 करोड़ रुपया अपना दे रहे हैं, वो हिंदुस्तान के बाहर ले जा रहे हैं। और तब कहें कि राजीव भाई हम क्या करें? सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप चाहते हैं कि कैंसर के मरीज ना बने, आप चाहते हैं कि नशे का शिकार ना हो, आप चाहते हैं कि आपका दिमाग और शरीर पहले से ज्यादा अच्छा रहे, तो आज से चाय कॉफी बंद कर दीजिए। तो फिर आप कहेंगे क्या पिए? दूध पीजिए, गाय का पिए तो और अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि दूध नहीं पिएंगे, माने जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है वही नहीं पिएंगे, जहर पी लेंगे, दूध नहीं पिएंगे। दूध नहीं पी सकते हैं तो दही की छाछ पी लीजिए, दही की छाछ नहीं पी सकते तो नींबू का शरबत पीजिए, नींबू का शरबत नहीं पी सकते तो नारियल पानी पीजिए, नारियल पानी नहीं पी सकते तो संतरे का रस पीजिए, मौसमी का रस पीजिए, शिरडी का रस पीजिए, गन्ने का रस पीजिए। इतनी सारी चीजें पीने पिलाने के लिए हैं, और जिनके घर में कुछ नहीं है वो सादा गर्म पानी करके पी ले, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। गर्म पानी पिएंगे तो 2 बीमारियों से बचेंगे, कभी पत्थर नहीं होगा, स्टोन नहीं होगा कभी,
आजकल गॉल स्टोन और किडनी स्टोन की इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है, गर्म पानी पीने वालों को ये प्रॉब्लम सबसे कम रहती है। तो गर्म पानी पीने में कोई खर्चा नहीं है, आपका शरीर दुरुस्त रहेगा, मेहमान को भी वही पिलाइए और हिंदुस्तान का 5,600 करोड़ रुपए बचेगा। और तब एक बार एक विद्यार्थी ने मुझसे सवाल किया, हो सकता है आपके मन में भी सवाल आए कि राजीव भाई जितनी चाय कॉफी पैदा हो रही है वो किसान क्या करेंगे फिर? तो मैं उसके लिए ये सुझाव देता हूं कि जितनी चाय कॉफी पैदा हो रही है उसको 100% एक्सपोर्ट करेंगे। क्यों? दुनिया में जो ठंडे देश अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इन ठंडे देशों में चाय कॉफी की बहुत जरूरत है। उनको चाय कॉफी ना मिले तो वो मर जाएंगे, लेकिन उनके यहां चाय कॉफी होती नहीं है। तो हम सारी की सारी अगर उनको बेच दें तो क्या नतीजा निकलेगा? 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, 5,600 करोड़ हमारा बचेगा, 10,000 करोड़ की इनकम होगी, 15,500 करोड़ नेट बचेगा हिंदुस्तान का। और ये कहा जाता है आज की अर्थव्यवस्था में कि पैसा बचाना पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये 15,500 करोड़ बचेगा हमारा और 1 करोड़ रुपए में हम एक कारखाना लगाएं और एक कारखाने में 100 आदमी को काम मिले तो 1.5 लाख लोगों को हम काम दे सकते हैं, अगर हम चाय कॉफी बंद कर दें। तो चाय कॉफी बंद करिए, हिंदुस्तान का भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा छोटा सा सुझाव, हम लोग ब्रश करते हैं, कॉलगेट क्लोजअप सेवा का फॉरहंस क्यों करते हैं? क्योंकि सांस की बदबू दूर करता, दांतों की सड़न दूर करता। तब आप कभी कभी ये सोचिए कि जब कॉलगेट नहीं होता था तो सबके दांत सड़ जाते होंगे शायद, और सबकी सांस में बदबू आती होगी। और हमारे दादा दादी के जमाने में तो कॉलगेट होता नहीं था, तो अपने दादा दादी से पूछिए कि आप तो कॉलगेट करते नहीं थे तो दादा दादी साथ बैठते थे कि नहीं बैठते थे? और तब आपको जवाब मिलेगा कि हमारे दादा दादी नीम का दातुन करते, बबूल का दातुन करते। क्यों करते हैं? दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो नीम का दातुन करते। कारण जानते हैं क्या? पहला कारण मैंने शुरू में बताया, नीम का पेड़ ऑक्सीजन देता। दूसरा एक और जबरदस्त कारण है, जब आप नीम का दातुन चबाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके मुंह में लार ज्यादा बनेगा, सलीवा ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा सलीवा बनेगा उतना ही अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, और जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उतना ही अच्छा आपके शरीर की इम्यून पावर रहेगी, और जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी ही बीमारियां आपसे दूर, क्योंकि 90% बीमारियां पेट की गड़बड़ी से पैदा होती है। पेट की गड़बड़ी ठीक रहने के लिए डॉक्टर कहते हैं आपको कि खाना चबा चबा कर खाइए। क्यों? क्योंकि सलीवा ज्यादा बनता है और खाने को पचाने का काम सबसे ज्यादा सलीवा करता है। लेकिन अद्भुत है नीम का दातुन, जितनी देर चबाएंगे उतनी देर सलीवा मन मुंह में बनेगा, अपने आप बनेगा, ये अजीब कुदरत है। तो जितना ज्यादा सलीवा बनेगा उतना अच्छा आपके लिए, अच्छा है दांतों के लिए। और एक दूसरी जानकारी, अमरीका में और जर्मनी में कैंसर की सबसे अच्छी दवा लिमड़ा के पेड़ से बनती है। दोनों देशों में नीम होता नहीं, अमेरिका में भी नीम नहीं होता, जर्मनी में भी नहीं होता। तो अमेरिका की एक कंपनी ने नीम पर पेटेंट करवा लिया। पेटेंट क्यों करवा लिया? क्योंकि भविष्य में हिंदुस्तान का लिमड़ा अमेरिका ले जाने की जरूरत पड़े तो कोई तो कानून चाहिए, तो उन्होंने पहले से ही पेटेंट करवा के बैठे हुए। हम बेवकूफ लोगों को मालूम नहीं कि हर घर के सामने नीम का पेड़ लगा है, यह दुनिया की अद्भुत चीज है। एक नीम का पेड़ अगर आपके आंगन में लगा हुआ है तो जान लीजिए 200 और 250 किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया आपके घर से दूर रहेंगे, कभी नहीं आएंगे। नीम का पेड़ जबरदस्त चौकीदारी का काम करता। तो नीम के पेड़ में इतनी अद्भुत खासियत है, और यह दातुन हजारों साल से इस्तेमाल हो रहा है। अभी कुछ दिन से टेलीविजन ने कहना शुरू कर दिया कि भाई कॉलगेट रगड़ो, तो हमने कॉलगेट चालू कर दिया। अब जो नीम का दातुन करते हैं उनको हम मानते हैं कि ये बेवकूफ लोग हैं, और जो कॉलगेट करते हैं वो मानते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं। है सच में उल्टा, जो नीम का दातुन करते हैं वो सबसे इंटेलिजेंट हैं, और जो कॉलगेट करते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े ईडियट हैं। पता है क्यों? कॉलगेट बनता कैसे आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि कॉलगेट कंपनी कभी बताती नहीं कि हमने कैसे बनाया ये, उनके डिब्बे पे कभी नहीं लिखते, और कॉलगेट के डिब्बे पे ISI मार्क भी नहीं है, एग मार्क भी नहीं है। क्यों? सबसे रद्दी क्वालिटी है इसलिए ISI मार्क उसको मिल नहीं सकता। तो जिस पे ISI मार्क भी नहीं है, एग मार्क भी नहीं है, उसी को क्यों खरीद के ले आते हैं? कॉलगेट का टूथपेस्ट दुनिया का सबसे घटिया टूथपेस्ट है। क्यों? क्योंकि जानवरों के हड्डियों के चूरे से बनता। अब मैं किसी से यह कहूं,
कि जानवरों की हड्डियों का चूरा रोज सवेरे उठकर अपने मुंह से रगड़िए, तो आप कहेंगे क्या फालतू की बात कर रहे हैं। और मैं कहूं कि कॉलगेट करिए, तो रोज हम करते हैं। और जानवरों के हड्डियों के चूरे के साथ साथ उसमें एक दूसरी खतरनाक चीज और है, फ्लोराइड। फ्लोराइड नाम उस जहर का है जो शरीर में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी करता है। और हिंदुस्तान में पानी में पहले से ही ज्यादा फ्लोराइड है, इसलिए हिंदुस्तान में तो ये सारे पेस्ट बंद कर देने चाहिए। और तीसरी एक और खतरनाक चीज होती है उसमें, हम लोग ये महसूस करते हैं कि पेस्ट वो अच्छा जिसमें ज्यादा से ज्यादा झाग बने, फोम बने। ये झाग पता है किससे बनता है? सबसे ज्यादा झाग बनता है रेन और सर्फ में। क्यों बनता है? क्योंकि उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसको तकनीकी भाषा में हम कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट कपड़ा धोने के साबुन में मिलाते हैं, उसी को कॉलगेट में भी मिलाते हैं झाग पैदा करने के लिए। तो मैं आपसे कहूं कि कपड़ा धोने के साबुन से दांत साफ करिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा झाग पैदा होता है। और हमारे देश में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आधा आधा घंटे रगड़ते रहते हैं क्योंकि झाग निकालना है उनको। दुनिया का सबसे रद्दी पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक आखिरी जानकारी इसी के बारे में, मैं जब यूरोप में घूमता था तो मुझे एक बात पता चली कि यूरोप के लोगों के दांत सबसे ज्यादा खराब है। सबसे गंदे दांत दुनिया में अगर किसी के हैं तो यूरोप के लोगों के। और वहां क्या है, हर दूसरा तीसरा आदमी दांतों का मरीज है, हर दूसरा तीसरा आदमी। और सबसे ज्यादा संख्या डॉक्टर जो है वहां वो दांतों के, अमरीका में भी। तो मैं एक बार, एक डॉक्टर थे डॉक्टर जुकरसन, मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में दांतों के मरीज क्यों हैं इतने और आपके देश में दांतों के डॉक्टर क्यों हैं इतने? तो कहने लगे कि हम दांतों के मरीज इसलिए हैं क्योंकि पेस्ट रगड़ते हैं। तो मैंने कहा बेस्ट क्वालिटी क्या है? कि वो तो हमारे देश में होती नहीं, तुम्हारे देश में होती है, नीम का दातुन। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं कि जब से मुझे पता चला नीम का दातुन बेस्ट क्वालिटी है, मैं हिंदुस्तान से मंगवाता हूं। तो यहां से जाता वो करते हैं और हम ईडियो सिटी में कॉलगेट रगड़ते हैं। और जो कॉलगेट पेस्ट आपके देश में बिकता है ना, वो अमरीका में नहीं बिकता, ये कंपनी अमरीका की। लेकिन फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट वो ये यहां बेचते हैं, अमरीका में नहीं बेचते। क्यों? पाबंदी लगी हुई है वहां, डॉक्टर मना करते हैं कि इसको मत करिए, फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। और जिस टूथपेस्ट को वहां मना किया जाता है वही इस देश में सबसे ज्यादा बिकता है। तो इसलिए मैं आपसे एक आखिरी निवेदन कर रहा हूं कि आज के बाद ये टूथपेस्ट बंद कर दीजिए। तो आप कहेंगे राजीव भाई फिर क्या करें? नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी है। कहां से मिलेगा? बंबई के हर स्टेशन के सामने मिलता। ये गरीब लोग हैं ना, आप देखो नीम का दातुन बेचते हैं, बबूल का दातुन बेचते हैं। अगर इनका दातुन आप खरीदोगे तो आपका पैसा किसी गरीब के पास जाएगा, तो इस देश के गरीबों को रोजगार मिलेगा। और उन गरीब लोगों से दातुन आप जो खरीदोगे, एक दातुन कम से कम एक हफ्ते चल सकता है। कैसे? आप चबाइए, जितना करें उतना काट के निकाल दीजिए, पानी में डाल के रखिए, दूसरे दिन भी काम आएगा। एक बार मैं ये बोल रहा था तो आईआईटी में एक लड़का खड़ा हो गया, कहने लगा राजीव भाई क्या उल्टी उल्टी बात करते हैं, एक ही नीम के दातुन को हम कितनी बार करें? तो मैंने कहा भाई जरा ये बताओ कि एक टूथब्रश को कितनी बार करते हो? एक दिन करते हैं धो के रख देते हैं, फिर दूसरे दिन करते हैं फिर धो के रख देते, साल भर तक रगड़ते रहते हैं एक टूथब्रश को तो गंदा नहीं लगता। और एक नीम का दातुन, मैं कह रहा हूं हफ्ते भर रगड़ो तो गंदा लगता। तो उस लड़के ने जानते हैं क्या जवाब दिया? सच में राजीव भाई हमारा दिमाग तो एकदम उल्टा हो गया। तो मैंने कहा ये दिमाग तुम्हारा उल्टा पता है किसने बनाया? टेलीविजन ने। उसको तुम टेलीविजन कहते हो, मैं उसको इडियट बॉक्स कहता हूं। और क्या इडियोसिटी दिखाता जानते हैं? दो पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है, कहती है कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। फिर उनके घर में कॉलगेट आ जाता है, उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं। कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है, नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि इससे बड़ी इडियोसिटी कोई दूसरी हो सकती है? भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता है। टेलीविजन सिखा रहा है कि नहीं कॉलगेट पेस्ट पर टिका हुआ है।
और इसलिए इस 100% इडियोसिटी से बाहर आ जाइए। फायदा जानते हैं क्या होगा, अगर आप लिमड़ा का दातुन खरीदें, हम सब एक साल में कितना पेस्ट खरीदते हैं मालूम है, सारे देश में 200-250 करोड़ रुपए का पेस्ट खरीदा जाता है साल भर। अगर ये 200-250 करोड़ का लिमड़ा का दातुन खरीदना शुरू कर दें तो इस देश के कितने गरीबों को काम मिल जाएगा। और तब आप कहेंगे राजीव भाई अगर हम सब लिमड़ा का दातुन करना शुरू करें तो नीम का झाड़ तो खत्म हो जाएगा। तब मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला दे के जा रहा हूं कि आपका जब जन्मदिन होता है ना तो क्या करते हैं, केक लेके आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फिर फू 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 फूक मार के सब बुझाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में दीपक कब बुझाया जाता है, जब किसी की मौत हो जाती है। हम क्या करते हैं, जन्मदिन पे ही दीपक बुझा रहे हैं, माने मरने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर मुझसे पूछें कि राजीव भाई जन्मदिन कैसे मनाएं, तो उसका बेस्ट फॉर्मूला मैं आपको देके जा रहा हूं। जब भी आपका जन्मदिन आए तो संकल्प करिए कि हम हमारे जन्मदिन पर एक नीम का झाड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। और मान लीजिए आपके 50 जन्मदिन आए तो 50 झाड़ लगेंगे, और एक नीम का झाड़ जब बन जाता है तो साल भर में 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है एक नीम का झाड़। तो हमने अगर 50 नीम के पेड़ लगाए अपने हर जन्मदिन पर तो 50 × 15 लाख माने कितना, कितना, कोई एक बोले, नहीं सुनाई दिया, एक कोई, एक सिंगल, 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन किसने दी, हमने जो नीम का झाड़ लगाया। अब मैं अगर आपसे ऐसे कहूं कि 7.5 करोड़ रुपया देश को दान करिए, आप कहेंगे है ही नहीं हमारे पास। और अगर मैं ये ऐसे कहूं कि 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन दान करिए, वो हम सब कर सकते हैं, एक एक नीम का झाड़ लगाएं तो आपके देश में दातून की भरमार हो जाएगी, और दातून की भरमार के साथ साथ ऑक्सीजन इतनी इफरात में हो जाएगी कि पर्यावरण का प्रदूषण एक झटके से खत्म हो जाएगा। तो ये बेस्ट फॉर्मूला है, दातुन करें, दातुन के लिए एक नीम का झाड़ लगाएं और अपने हर जन्मदिन पर लगाएं, हिंदुस्तान की ये जो पर्यावरण की समस्या है इसका भी समाधान हो जाएगा, और ये जो 200-250 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं टूथपेस्ट खरीदने में वो बच जाएंगे। और ऐसे ही एक आखिरी सुझाव, और एक परदेशी कंपनी आई है वो पानी बेचती है, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्सअप, लिमका, सिट्रा, और ये जितना पानी है ना सबकी बोतल पर आपको मालूम है कि क्या क्या मिलाते हैं, कभी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते, क्योंकि उसमें जहर मिलाते हैं। जहर पता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मेडिकल साइंस कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना चाहिए और ऑक्सीजन इनहेल करना चाहिए। हम क्या करते हैं, लहर पेप्सी पी के कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जाते हैं। माने दोस्तों जो लहर पेप्सी है वो सच में जहर पेप्सी है, और ये जहर पेप्सी क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी दो चीजें और हैं जो बहुत खतरनाक हैं, सोडियम ग्लूटामेट और पोटेशियम सॉर्बेट, ये दोनों जहर हैं, दोनों कैंसरस हैं। और ये कितना खतरनाक हो सकता है उसका एक दाखिला मैं आपको दूं। एक साल पहले मैं आया था ग्रांट रोड के एक कॉलेज में, मेरा व्याख्यान हुआ, तो वहां के प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया कि राजीव भाई हमने एक कॉम्पिटिशन किया था। मैंने कहा क्या कॉम्पिटिशन किया, पेप्सी कोला पीने का कॉम्पिटिशन किया। मैंने कहा परिणाम क्या निकला, तो कहने लगे हमारे 2 स्टूडेंट थे वो फाइनल राउंड में पहुंच गए। तो फाइनल राउंड में पहुंच गए तो मैंने कहा क्या उन्होंने शूरवीरता दिखाई कि 1 घंटे में एक लड़के ने 9 बोतल पिया और दूसरे ने 8 बोतल पिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ उसके बाद कि दोनों मर गए। मैंने कहा फिर आपने क्या किया कि हम डॉक्टर को लेने गए, उन लड़कों को लेकर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड पी लिया है कि अब ये बच नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया कि तब से हमने हमारी कैंटीन में पेप्सी और कोका कोला बंद करा दिया। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब आपको अकल तो आई, लेकिन तब आई जब आपके 2 स्टूडेंट मर गए। ये इतना खतरनाक जहर है। और एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया पेप्सी कोला पे, मेरा एक दांत टूट गया, तो मैंने क्या किया उसको पेप्सी कोला की बोतल में डाल दिया, 9 दिन के अंदर पूरा दांत डिसॉल्व हो गया। ये जो दांत होता है ना ये इतनी कड़ी चीज है
कि मिट्टी में दबा दीजिए, एक साल तक गलता नहीं है ये, ऐसे का ऐसे ही निकल आएगा। लेकिन वो दांत 9 दिन के अंदर पेप्सी कोला में गल गया। क्यों? क्योंकि जहर है उसमें। और मैंने कहा कि जब दांत इसमें गल सकता है तो पेट का क्या क्या गलेगा जब आप उसको पी रहे। और तब लोग पेप्सी जब पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, तो मैं लोगों से पूछता हूं, मैंने कभी पिया नहीं। कभी कभी मैं मेरे दोस्त से कहता हूं कि भाई तुमको क्या लगता है जब तुम पेप्सी पीते हो, तो कहता है राजीव भाई नाक में सनसनी होती है, दिमाग में सनसनी होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। मैंने कहा काहे को पी रहे हो फिर भाई, इतनी प्रॉब्लम हो रही है फिर भी बोतल पे बोतल चढ़ाए चले जा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं मालूम है? सचिन तेंदुलकर कहता है, अजहरुद्दीन कहता है, शाहरुख खान कहता है, आमिर खान कहता है, जूही चावला कहती है, ऐश्वर्य रॉय कहते हैं। और ये सब क्यों कहते हैं जानते हैं? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की रिश्वत मिलती है इनको पेप्सी कोला से। सचिन तेंदुलकर हर साल पेप्सी कोला से 70 लाख रुपया लेता है, इसके लिए उसका धंधा करता है। ये शाहरुख खान और आमिर खान ये 1-1 करोड़ लेते हैं, इसलिए पेप्सी कोला का धंधा करते हैं। ये जितने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिनको आप नेशनल प्लेयर कहते हो, ये सब विदेशी कंपनियों के एजेंट हैं दोस्तों। हर एक क्रिकेट खिलाड़ी जो टी शर्ट पहनता है उस पे पेप्सी लिखा रहता है, विल्स लिखा रहता है। अब आप पूछिए ये प्रश्न कि ये तो हिंदुस्तानी लोग हैं, विदेशी कंपनी की विज्ञापन क्यों कर रहे हैं? तो आपको पता चलेगा कि ये बड़े बड़े गद्दार लोग हैं। सचिन तेंदुलकर को हर महीने 50,000 रुपए पगार मिलती, हमारे खून पसीने की कमाई से। ये पगार हम उसको क्यों देते हैं? क्रिकेट खेलने के लिए। उसमें भी उसका पेट नहीं भरता तो विदेशी कंपनी का विज्ञापन करता। ये नेता ही देश बेचने में नहीं लगे हुए, ये क्रिकेट के खिलाड़ी भी देश बेच रहे हैं। और ये रात दिन जानते हैं क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम 2 ही कंपनियों का सबसे ज्यादा विज्ञापन करती है, पेप्सी कोला या विल्स। और ये दोनों कंपनियां क्या नुकसान कर रही हैं? पेप्सी कोला हिंदुस्तान से हर साल 240 करोड़ रुपए कमाकर ले जाता है अमरीका, जहर बेचते हैं और यहां से 240 करोड़ अमेरिका चला जाता है। और उस 240 करोड़ में क्या हो सकता है आपको मालूम है? हिंदुस्तान के 2 लाख गांवों को पीने का पानी मिल सकता है। इस देश में आजादी के 50 साल के बाद 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है, ये सरकार के आंकड़े मेरे नहीं है। और करोड़ों करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं। गुजरात में मैंने मेरी आंखों से देखा है, कच्छ में इतनी जबरदस्त पानी की कटोकटी है कि 1-1 घड़ा पानी लेने के लिए 15-15 किलोमीटर बहनें पैदल चलकर जाती। 1-1 गांव मैंने देखा है जहां 4-4 दिन में एक बार पीने का पानी आता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में पीने के पानी की इतनी कटोकटी है कि दोनों देश, दोनों प्रदेश झगड़ा करने को तैयार, कावेरी का पानी हमको मिले कि हमको मिले। सारे देश में 2 लाख गांव में पीने के पानी की भयंकर कटोकटी है, तो हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? उन 2 लाख गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पेप्सी कोला गांव गांव में बिकवा रहे। और ये जो पेप्सी कोला का पैसा हम दे रहे हैं, जो अमेरिका चला जाता है 240 करोड़ रुपया, अगर ये ना जाए अमेरिका, माने इस देश में पेप्सी कोका कोला जैसे बंद हो जाए, तो इस देश में लाखों गांवों को पीने का पानी मिल सकता है। और यही देश की सच्ची स्थिति। और तब आप कहेंगे, और मैं आपको एक फॉर्मूला देके जा रहा हूं, कि जब भी आपके हाथ में पेप्सी या कोका कोला की बोतल आए, तो आप पहले हिंदुस्तान के उन करोड़ों भाई बहनों का चेहरा याद करिए जिनको पीने का पानी नहीं मिलता और आप पेप्सी और कोका कोला पी रहे हैं। तो आपको, आपके हाथ कांप जाएंगे कि मैं इतना बड़ा नेशनल क्राइम कर रहा हूं कि देश में पेप्सी कोका पी के करोड़ों रुपया अमरीका भेज रहा हूं, और कितना पैसा आप इस कंपनी को देते हैं? पेप्सी की एक बोतल 70 पैसे में तैयार होती है और बाजार में 8.5-9 रुपए की बिकती है। अंदाजा लगाइए कितना पैसा हम देते हैं। तो जब आपके हाथ में पेप्सी और कोका कोला आए, तो करोड़ों भाई बहनों को याद करिए जिनको पीने का पानी नहीं मिलता, और फिर भी आप अगर पेप्सी और कोका कोला पी लें, तो आपसे बड़ा गद्दार इस देश में कोई दूसरा नहीं है। यह मेरा फॉर्मूला। और एक दूसरी बात आपसे और कह के जा रहा हूं कि जो लोग इस देश में पेप्सी कोला कोका कोला की बिक्री बढ़ाने में लगे हुए, उनको मैं बहुत बड़ा गद्दार मानता हूं। और ये सारे के सारे नेशनल क्रिकेट प्लेयर इसी काम में लगे, तो आप कम से कम इनको एक चिट्ठी तो लिखो, खुलकर तुमको हमने
क्रिकेट का खेल खेलने के लिए कैप्टन बनाया, अब तुम पेप्सी कोला बेच रहे हो, और पेप्सी कोला बेचते बेचते अब जूता बेचना चालू कर दिया उसने एक्शन का। कितने शर्म की बात है कि आपके देश का नेशनल क्रिकेट कैप्टन जूता बेच रहा, और एक्स क्रिकेट कैप्टन कपिल देव ना जूते भी सांस लेते हैं। और इनको मालूम नहीं है कि जब जूते सांस लेते हैं तो भारत माता की सांस निकल जाती है। ये जूते बेचने वाली जो विदेशी कंपनियां आई हैं, हिंदुस्तान से सैकड़ों करोड़ रुपए कमा कर ले जाती हैं, उसका नतीजा जानते हैं क्या होता है? हिंदुस्तान के लाखों लाखों मोची बर्बाद हो गए जिनका जूता नहीं बिकता बाजार में, लाखों लाखों मोची बर्बाद हो गए। मेरे अपने इलाहाबाद शहर की बात मैं कर रहा हूं, मैंने सर्वे कराया, जब से बाटा कंपनी का जूता बिकना शुरू हुआ मेरे शहर में 14,000 मोची बेकार हो गए मेरे अपने शहर में। पहले वो जूता बनाते थे और बेचते थे, गांव गांव में एक मोची होता था, उसका जूता बनता था और बिकता था। अब उस मोची का जूता कोई नहीं खरीदता, सब बाटा का खरीद के लाते। लाखों मोचियों को बर्बाद कर दिया इन कंपनियों ने जूते बेच बेच कर, और उसका धंधा बढ़वाते हैं ये कपिल देव और तेंदुलकर जैसे। और जानते हैं क्या होता कि हमारे कमरे में फोटो भी इन्हीं गद्दारों का लगा रहता है, तेंदुलकर का या कपिल देव का। माने जो देश में नेशनल क्राइम कर रहे हैं उनको हमने अपना हीरो बना रखा। और एक दूसरी बात और बताऊं तो आपको ख्याल आएगा कि ये लोग कितना बड़ा देश के साथ धोखा कर रहे हैं। एक कंपनी है उसका नाम है ITC, ये अमेरिका की कंपनी, ये सिगरेट बनाती है। सिगरेट का विज्ञापन हिंदुस्तान में टेलीविजन पे नहीं आ सकता, इसका कानून है। तो ये कंपनी क्या करती है कि सीधे तो अपना विज्ञापन दे नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, क्रिकेट की सीरीज स्पॉन्सर करते, विल्स कप करवाते या पेप्सी कप करवाते। तो उसमें क्या होता है, बार बार टेलीविजन पे उनका जाहिरात आता है। कैसे आता है, आपने देखा है जिस क्रिकेट के मैदान में मैच होता है उसके विकेट पे विल्स लिखा रहता है। काहे को भाई, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का तो कानून यह है कि विकेट एकदम प्लेन होना चाहिए, प्लीज, अंतरराष्ट्रीय कानून यह है कि विकेट एकदम प्लेन होना चाहिए, लेकिन उस पर विल्स का स्टिकर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि आप जितनी देर देखेंगे आपकी आंखों में विल्स 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 पढ़ा जाएगा। फिर क्या होता है कि क्रिकेट के खिलाड़ी जिस एंड से बॉल फेंकते हैं उस तरफ भी विल्स लिखा रहता, दूसरे तरफ भी विल्स लिखा रहता, मैदान में चारों तरफ विल्स 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 ही लिखा रहता। फिर उसके बाद क्या होता है, जो खिलाड़ी बल्ला लेके खेलने आता उस पे भी स्टिकर विल्स का लगा रहता। कम से कम आपने एक बार मैच देखा तो 100 बार विल्स का नाम आपको याद हो गया। ये धंधा वो कर नहीं सकते थे जब एडवर्टाइजमेंट देते, तो उन्होंने क्रिकेट की सीरीज स्पॉन्सर कर दी। उसका नतीजा क्या हुआ, सारे देश में विल्स की सिगरेट की बिक्री बढ़ गई। कितनी सिगरेट बनाती है ये कंपनी, एक साल में 90 अरब सिगरेट बनती है। और 90 अरब सिगरेट बनती है तो कबाड़ा क्या होता है देश का, इस कंपनी की जब 500 सिगरेट बनती है तो एक पेड़ उसमें कट जाता है, और एक पेड़ कटने का माने 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन का नुकसान। और यह कंपनी जब 90 अरब सिगरेट बनाती है तो इस कंपनी के सिगरेट बनाने के कारखानों के लिए 1400 करोड़ पेड़ हर साल कटते। अब वो जो 1400 करोड़ पेड़ कट जाते हैं, हर एक पेड़ 10-15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है, अरबों रुपए की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। और उसके बाद एक तमाशा और होता है कि जब 90 अरब सिगरेट जलती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और कितनी निकलती है, 90 अरब सिगरेट को अगर जलाया जाए तो 46,000 मीट्रिक टन जहरीली गैसें उसमें से पैदा होती। तो एक बाजू में ऑक्सीजन की बर्बादी, दूसरे बाजू में 46,000 मीट्रिक टन जहर पैदा हो रहा, और उस जहर को पी रहे हैं हम सब। जो सिगरेट पी रहा है वो भी मर रहा है, जो बाजू में बैठा है वो भी मर रहा। इतना बड़ा तमाशा चल रहा है। और अमरीका में यही जानकारी जब हो गई वहां की सरकार को तो सिगरेट बनाने वाली कंपनियों पे अब पाबंदी हो गई, वहां टैक्स इतना बढ़ा दिया कि कोई सिगरेट बेचना मुश्किल हो गया। उन्हीं सिगरेट कंपनियों का जाहिरात क्लियर कर रहा है, इनको आप इंडियन कहते हो, ये नेशनल लोग हैं, ये तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। और दुर्भाग्य से इन्हीं का मैच देखने के लिए हम टिकट खरीद के जाते हैं। क्रिकेट के खेल ने इस देश का कितना नुकसान किया है शायद आपको अंदाजा नहीं है। एक दिन का जब वनडे मैच होता है सारे देश में काम ठप हो जाता है,
कर्मचारी काम नहीं करते, स्टूडेंट्स कॉलेज में नहीं आते, कोई काम नहीं होता, या तो टीवी पे बैठे रहते हैं या कमेंट्री सुनना चालू कर देते हैं, और वो कमेंट्री और टीवी के सामने जो नहीं बैठ पाते वो मैदान में चले जाते हैं, और हर दिन इस देश में 250 करोड़ रुपए का नेशनल लॉस होता है एक दिन के मैच में, 1000 करोड़ रुपए का दूसरा नुकसान है, 250 करोड़ का हमारा राष्ट्रीय नुकसान है एक दिन का, और हम 5-5 दिन के मैच देखते हैं, और वो मैच देखने से पता नहीं क्या मजा आता है। कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि मैच देखने से अच्छा तुम खेल लेते तो शरीर में शायद शक्ति आ जाती, बैठे बैठे इडियट बने हुए देख रहे हैं, क्या कहते हैं, अरे साला आउट हो गया, अभी मैं जाता तो ऐसे मारता, तो बल्ला लेके पहुंच क्यों नहीं जाते वहां। और तब इसके साथ जुड़ी हुई एक आखिरी बात कि ये क्रिकेट का खेल इस देश में कौन लेकर आया, अंग्रेज लेकर आए, और अंग्रेजों ने इस देश में क्रिकेट का खेल प्रचारित क्यों किया, इस देश की बर्बादी के लिए। दुनिया के जो इंटेलिजेंट देश हैं कोई क्रिकेट नहीं खेलता, अमेरिका में क्रिकेट नहीं होता, जर्मनी में क्रिकेट नहीं होता, फ्रांस में क्रिकेट नहीं होता, जापान में क्रिकेट नहीं होता, चीन में क्रिकेट नहीं होता, साउथ कोरिया में क्रिकेट नहीं होता, मलेशिया इंडोनेशिया में क्रिकेट नहीं होता, और जितने देशों में क्रिकेट नहीं होता वो सब इस समय बहुत ऊंचे देश हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से, और जिन जिन देशों में क्रिकेट का खेल खेला जाता है सबका कबाड़ा हो रहा है। दुनिया में सिर्फ 12 देश हैं जहां क्रिकेट खेला जाता है, उन सब देशों की हालत देख लीजिए, एक से एक बदतर है। तो आप ये कर क्या रहे, काहे का मोह पाला है आपने ये क्रिकेट का। और तब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये पेप्सी बिल सिर्फ इनका बहिष्कार मत कीजिए, इन क्रिकेट खिलाड़ियों का भी बहिष्कार करिए, और इनको कम से कम एक चिट्ठी लिखिए कि हमने तो तुमको देश के खेलने के लिए बनाया था, तुम तो गद्दारी कर रहे हो इस देश से। और कभी कभी मैं आपको बताऊं कि ये क्रिकेट के खेल में हार जीत ऐसे ही नहीं होती, बाकायदा रिश्वत दी जाती है और ली जाती है, इसलिए हारते हैं और जीतते हैं। और ये किस्सा खुल गया, हमारे ही देश की क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने यह सारी कहानी खोल दी। उसने कहा है कि मैं पैसा लेके खेलता था, और इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पैसा लेके खेलते हैं, और कैसे खेलते हैं, आपने सुना होगा कि करप्शन नेता करते हैं, नेताओं से बड़ा करप्शन ये करते हैं। क्या करप्शन है मालूम है? एक बार वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच हुआ कानपुर में, ट्रायंगुलर क्रिकेट सीरीज थी, सेमीफाइनल मैच था, उसमें वेस्ट इंडीज की टीम पहले खेली, 236 रन बनाए उसने, इंडिया की टीम दोबारा खेलती थी, 34-35 ओवर का खेल बीता, 6 खिलाड़ी आउट हुए, 194 रन बना, 4 खिलाड़ी बाकी थे, 15 ओवर का खेल बाकी था, धीमे धीमे भी खेलते तो रन बन जाते। उस समय क्रीज पर खेल रहे थे मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया, इन दोनों खिलाड़ियों ने जानते हैं क्या किया, टुक टुक करके पूरा खेल निकाल दिया, 15 ओवर बिता दिए और 12 रन बनाए, जीता हुआ मैच हिंदुस्तान हार गया। शाम को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें एक अधिकारी है आईएएस बिंद्रा, उन्होंने एक कमेटी बनाई कि जांच करो ये क्यों हारा मैच। तो कमेटी ने जांच की तो पता चला कि खिलाड़ियों को रिश्वत दी गई है। कौन कौन खिलाड़ी को रिश्वत दी और किसने रिश्वत दी, आपको जानकारी दूं कि ये जितनी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं मैच को, ये सट्टा बाजार में करोड़ों करोड़ों रुपए लगाती है। क्रिकेट दोस्तों अब खेल नहीं है, जुआ हो गया है, और उस जुए में करोड़ों करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है बाजार में। तो करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया पेप्सी कोला ने और इन कंपनियों ने, सट्टा किस बात पे लगा था कि फाइनल में वेस्ट इंडीज की टीम पहुंचेगी, और अगर उस मैच में हिंदुस्तान जीत जाता तो उनका करोड़ों रुपया डूब जाता। इसके लिए उन्होंने दोनों खिलाड़ी को रिश्वत खिलाई और उन्होंने जानबूझकर मैच हार दिया। उसके बाद इन दोनों को बाहर कर दिया गया। बाद में नयन मोंगिया तो अभी भी खेलता, मनोज प्रभाकर बाहर है। बाहर आने के बाद उसने ये सारा किस्सा खोल दिया कि ये ऐसे होता। और अब जब किस्सा खोला है तो चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट अभी आएगी, आपकी आंखें फट जाएंगी कि हो क्या रहा है इस देश में। हम जिसको मनोरंजन का खेल कह रहे हैं वो इस देश का कितने सैकड़ों करोड़ रुपए की बर्बादी कर रहा है। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन और है कि इस क्रिकेट का बहिष्कार करिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों का बहिष्कार करिए, और उसके साथ साथ इन ये विदेशी कंपनियों का भी बहिष्कार करिए। और तब एक आखिरी बात और कि ये विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कब होगा? ये विदेशी कंपनियों का बहिष्कार तभी हो सकता है जब आप अपने अपने घर का टेलीविजन बंद कर दें। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियों की जितनी जाहिरात है वो टेलीविजन के माध्यम से, और रात दिन हमको ये जाहिरात सुना सुना के वो सामान खरीदवाते हैं। हम टेलीविजन क्यों देखते हैं? कई बार मैं लोगों से ये प्रश्न करता हूं कि टेलीविजन क्यों देख रहे हैं,
काहे को एंटीना लगाया है, काहे को डिश एंटीना लगाया है, और जिनके घर में डिश एंटीना नहीं उन्होंने केबल कनेक्शन ले लिया है, सब एक ही जवाब देते हैं, राजीव भाई मनोरंजन करना। तो मैं कहता हूं ठीक है भाई मनोरंजन करिए। तो मनोरंजन करते हैं तो क्या देखते हैं? घर के छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ उनके मम्मी पप्पा, उनके साथ उनके दादा दादी, तीनों पीढ़ियां एक साथ बैठकर टेलीविजन पे चित्रहार देखती। चित्रहार में गाना कौन सा आता है? चोली के पीछे क्या है? हंसिए मत, इसको गंभीरता से सुनिए। चीज बड़ी है मस्त मस्त। और कभी कभी मैं आपसे पूछूं, अगर दिल पे हाथ रख के बताइए कि चोली के पीछे क्या है, यह गाना आपका मनोरंजन करता? या चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये गाना आपका मनोरंजन करता? और अगर ये गाना आपका मनोरंजन करता है तो कितने लोगों में इतनी हिम्मत है जो अपनी मां से पूछ सकें, बोल तेरी चोली के पीछे क्या? और कितने लोगों में ऐसी हिम्मत है जो अपनी बड़ी बहन के सामने ये कह सकें कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त? और दोस्तों, ये गाने आपका मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, ये गाने आपका चरित्र खलास कर रहे हैं। वो चित्राहार नहीं है, वो चरित्राहार है। और जिसको मनोरंजन के नाम पर आपने अपने घर में बुला लिया है, ये टेलीविजन आपका मनोरंजन नहीं कर रहा है, आपके मन में एक अजीब तरह की वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी को जन्म दे रहा है। और दुनिया में दो बहुत खतरनाक होती हैं। एक बीमारी होती है जिसको सेक्स की वल्गैरिटी मैं कहता हूं। रात दिन ये टेलीविजन आपको जो कुछ दिखाता है वो सेक्स की वल्गैरिटी है। और ये सेक्स की वल्गैरिटी देखते 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 एक दिन हिंदुस्तान के नौजवान नवयुवतियां भी वही करने लगते हैं जो उस पर दिखाते हैं। क्या हो रहा है हमको? कहां जा रहे हैं हम? इस भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में बचपन से हमको सिखाया जाता है, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये जो कुछ आप टेलीविजन पर देख रहे हैं वो आपके चरित्र को बर्बाद करने की एक साजिश है। और ये साजिश किसने बनाई है? ये विदेशी कंपनियां जानती हैं कि हिंदुस्तानी माटी में नौजवानों में इतनी खुमारी है कि कोई विवेकानंद हो जाता है, कोई दयानंद हो जाता है, कोई तिलक पैदा हो जाता है, कोई भगत सिंह हो जाता है। तो अगर तिलक पैदा हो गया, भगत सिंह हो गया, विवेकानंद आ गया, दयानंद आ गया, तो इन विदेशी कंपनियों को मार मार के भगा देगा, तो उनको डर लगता है। तो इसके लिए वो टेलीविजन लेकर आए हैं अपने साथ में कि हिंदुस्तान के नौजवानों को एक मीठी नींद की गोली दे के सुला दो, इनमें से कोई विवेकानंद ना बनने पाए। और आपके सामने आदर्श क्या रखा जाता है? आपके सामने विवेकानंद का आदर्श नहीं रखा जाता, नालायक संजय दत्त और शाहरुख खान जैसे लोगों के आदर्श रखे जाते हैं। और यह कितनी खतरनाक व्यवस्था है, कई बार मैं लोगों से पूछता हूं, छोटे छोटे बच्चे तीन तीन साल की उम्र से, चार चार साल की उम्र से, पांच पांच साल की उम्र से यही सब देख रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे अगर रोज दिन में चार घंटे पांच घंटे टीवी देखें और सिनेमा देखें, जानते हैं क्या होगा? 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हर बच्चे को कम से कम 30,000 बार मर्डर के सीन दिखाए जाएंगे। हर फिल्म में मर्डर, हर एपिसोड में मर्डर, हर एपिसोड हर फिल्म में वॉयलेंस, हर एपिसोड में वॉयलेंस, हर एपिसोड में मारामारी। काहे को इतनी मारामारी दिखाते? क्यों इतनी वॉयलेंस हमको दिखाई जाती? पता है क्यों? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वॉयलेंस से नफरत की जाती। ये देश अहिंसा वाला है, इसलिए भारतीय संस्कृति को बर्बाद करना है तो अहिंसा की जगह हिंसा को लाना पड़ेगा। तो वो हिंसा हर आदमी कैसे करेगा? हर आदमी तभी हिंसा करेगा जब बार बार हिंसा देखेगा। और ये बार बार की जो हिंसा हम देखते हैं, इसका नतीजा जानते हैं क्या होता? मर्डर देखते 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 मन की दया खत्म हो जाती है, करुणा खत्म हो जाती है। और हमारे देश में एक कहावत कही जाती है, दया धर्म का मूल है। माने जब दया ही नहीं होगी मन में, धर्म कहां टिकने वाला है? तो वो सीधा आक्रमण आपके धर्म पर है। ये वॉयलेंस बहुत ही खतरनाक चीज होती है। और उसके साथ दूसरी खतरनाक चीज होती है, सेक्स की वल्गैरिटी। ये सेक्स की वल्गैरिटी हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों नौजवानों को बर्बाद कर रही है। और यह बर्बादी सिर्फ अपने देश में आ रही है ऐसा नहीं है, अमरीका में और यूरोप में यह बर्बादी आ चुकी है। और यूरोप के देशों में यह सेक्स की वल्गैरिटी की कितनी बर्बादी आई है,
एक ही उदाहरण ताजा ताजा आपको देना चाहता हूं। 3-4 दिन पहले एक अखबार निकला, गुजरात समाचार। गुजरात समाचार के 2 नंबर के पेज पर एक खबर है। क्या खबर है? ब्रिटेन में 11 साल का बच्चा पिता बन गया है। और ब्रिटेन में अगर 11 साल का बच्चा पिता बन गया है तो उसके पत्नी की उम्र क्या है मालूम है? 15 साल। 15 साल के बच्चे जिनकी उम्र स्कूल में जाने की है, कॉलेज में जाने की है कि मम्मी पापा बनने की है। और ये 11 साल और 15 साल के बच्चों को मां और पिता बनने का नुस्खा किसने दिया है? किसने फॉर्मूला दिया उनको? वो टेलीविजन से आया, सिनेमा से आया। और इस सिनेमा और टेलीविजन ने यूरोप के सारे नौजवानों को बर्बाद कर दिया। मैं कितने यूरोपियन देशों में जाता था और वहां के लोगों से एक ही सवाल पूछता था कि आपके देश की सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम क्या है, तो वो कहते थे कि राजीव भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की बच्चियां मां बन जाती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पर शादी करने की उम्र आते आते कोई लड़की 10 बार एबॉर्शन कराती है, कोई 15 बार कराती है, ये उनकी प्रॉब्लम है। वर्जिनिटी क्या होती है ये उनको नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? भारतीय संस्कृति क्या होती है यह भी नहीं मालूम है। संयम क्या होता है? अपने ऊपर संयम रखने की व्यवस्था है। विद्यार्थी जीवन तो संयम वाला जीवन होता है, ये हर धर्म कहता है इस देश में। इसलिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में जाना पड़ता था ताकि 25 साल तक संयम के साथ आप शिक्षा ग्रहण करिए। वो संस्कृति उनको नहीं आती। और उसके बाद आज उनके यहाँ प्रॉब्लम इतनी जबरदस्त हो गई है कि बिना शादी के पैदा होने वाले बच्चों को रखें कहाँ। तो बिना शादी के पैदा होने वाले बच्चों को रखने के लिए ही उनके देशों में कॉन्वेंट स्कूल खोले गए। कॉन्वेंट स्कूलों में यूरोप में कौन बच्चे पढ़ते हैं जिनके मम्मी पापा का पता नहीं है? क्यों नहीं पता है? हिम्मत नहीं है ये बताने की कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। क्यों नहीं हिम्मत है? शादी के पहले हुए हैं। क्यों हो गए हैं शादी के पहले? टेलीविजन पे जो कुछ देखते थे, सिनेमा में जो कुछ देखते थे, वही किया फिर अपने जीवन में। और अब वही वल्गैरिटी अमेरिका में कितनी जबरदस्त आई है। अमेरिका में एक कमीशन बिठाया हुआ है, उस कमीशन में 2 चेयरमैन हैं। दोनों सौभाग्य से एक बार मेरे दोस्त बने थे, 4 साल पहले की बात है। मैं एक बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था बॉन में, फिर फ्रैंकफर्ट में, वहां मेरी उनसे मुलाकात हुई। अभी वो दोनों व्यक्ति अमरीका की सरकार के एक कमीशन के चेयरमैन है। वो कमीशन कर क्या रहा? कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है कि पिछले 35 साल में टेलीविजन से अमरीका में क्या नुकसान हुए हैं इसका अध्ययन करो। तो कमीशन की पहली रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या कह रही है? 90 मिलियन अमेरिकन यूथ्स आर स्पॉइल्ड ड्यू टू टेलीविजन एंड सिनेमा। 9 करोड़ अमरीकी नौजवान बर्बाद हो गए हैं टेलीविजन और सिनेमा देखकर। 9 करोड़। अमरीका की कुल आबादी कितनी है? 27 करोड़। 27 करोड़ आबादी में से 9 करोड़ बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। और उन 9 करोड़ बच्चों की बर्बादी कितनी है? हर पहला और दूसरा बच्चा सीजोफ्रेनिक हो गया, पागल हो गया। और वो पागलपन सेक्स का पागलपन है। अमेरिका में किस कदर पागलपन है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां से दिखने में लगता है कि अमेरिका बहुत ऊंचा देश है, बहुत तरक्की वाला देश है। आपको मालूम नहीं है अमेरिका दुनिया में वो देश है जहां 1 मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं बहनों के ऊपर, 1 मिनट में सबसे ज्यादा रेप केसेस अमरीका में होते हैं, 1 मिनट में सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केसेस अमरीका में होते हैं। और अमेरिका में कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां शाम को 6 बजे अगर कोई लड़की निकल जाए तो लौटने वाली नहीं है। कितने लोग उसके साथ गैंग रेप करेंगे उनको खुद नहीं पता रहता। ये इतनी हैवानियत और इतना राक्षसीपन कहां से आ रहा है? वो टेलीविजन सिखा रहा है, वो सिनेमा सिखा रहा है। और वो टेलीविजन और सिनेमा अब हमारे देश में आ रहा है। जो बर्बाद कर चुके हैं अपने नौजवानों को, वो अब हमको बर्बाद करने आ रहे हैं।